प्रदेश में राज्यसभा के चुनाव चल रहे हैं, कल उसके लिए मतदान होगा, लेकिन उसके ठीक पहले आरएलपी की क्या रणनीति है, खास तौर पर जब आरएलपी के ऊपर आम आदमी पार्टी के नेता की ओर से कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इस समय हमारे साथ मौजूद है आरएलपी सुप्रीमो और सांसद हनुमान बेनीवाल जी। बेनीवाल जी, कल राज्यसभा के चुनाव होने हैं, चूँकि आपने ऐलान कर दिया है कि आपके तीनों जो विधायक है निर्दलीय प्रत्याशी सुभाष चंद्र जी को वोट देंगे, लेकिन आरोप लगाया है 40 करोड़ के लेन देन का आम आदमी पार्टी। देखिए, आरोप तो कोई भी लगा सकता है, लेकिन आरोपों में सत्यता कितनी है, इसके लिए जैसे ही आरोप लगाए, हमारा पहले से स्टैंड था कि कांग्रेस बीजेपी के सिंबल पर वोट नहीं देंगे और सुभाष चंद्र जी निर्दलीय प्रत्याशी है, तो हम दो ही विकल्प थे हमारे पास, या तो बहिष्कार करते मतदान का या उनको वोट देते, क्योंकि राजस्थान से भी है, बाकी लोग यहाँ से नहीं है, तो हमारी प्राथमिकता थी स्टैंड पे हमारे थे, हमने इनको समर्थन दिया और जिस व्यक्ति ने आरोप लगाए उसका पूरा इतिहास मैंने निकलवा लिया, उसके परिवार पे भी किस तरह के आरोप लगे, उसके पिताजी पे भी आरोप लगे, ज़मीनों के एक नाबालिग बच्ची के इनके सहयोगियों ने मिलकर जो इन्होंने घटना कारित की थी, तो सारे समन वारंट पूरे परिवार पे ये आरोप लगे थे और इनके खिलाफ़ जैसे ही हमें ये आरोपों की जानकारी परसों मिली, कल हमने कानूनी सलाह भी ली, एक आपराधिक मुकदमा जालूपुरा थाने के अंदर हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने दर्ज कराया और मानहानि के दो मामले उच्च न्यायालय के अंदर हम दर्ज करा रहे हैं, दोनों मामले आज हो जाएंगे, वो हमने करवा दिए। और आरोप लगाना मात्र नहीं होता, आरोपों में सत्यता कितनी है, मैं तो ये कहता हूँ कि कोई भी एजेंसी जाँच कराए, अगर उनके आरोपों में सत्यता है तो हम राजनीति छोड़ देंगे, और यूँ ही चाहे जो सस्ती लोकप्रियता के लिए, खुद का आपको पता कि आप पार्टी का क्या इतिहास रहा, अनाज आ रहे जिसकी वजह से आए उनको धकेल दिया पीछे, दिल्ली में आने का अलग कारण था, कांग्रेस बीजेपी लोग त्रस्त थे, पंजाब में लंबे समय से कांग्रेस और अकाली सरकारें थी, बीजेपी का कोई जनाधार नहीं था, और पिछली बार इस सेकंड बड़ी पार्टी थी पंजाब के अंदर, 40 जगहों पर लगभग सेकंड है, तो आगे है इस, और कांग्रेस ने इन वक्त में मुख्यमंत्री बदल दिए, नए चेहरे आ गए, तो इनके गलतफहमी हो गई कि देश के अंदर यही लोग हैं, और क्योंकि राजस्थान के अंदर इनको खतरा सिर्फ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से, ये नई तीसरे विकल्प की तलाश करते हैं वो यहाँ नहीं होगी, इसलिए सस्ती लोकप्रियता के लिए इन्होंने अनर्गल आरोप मेरे ऊपर लगाए, और मैं तो ये भी चाहूँगा कि इसका मानसिक रूप से बीमार है, इसको इलाज की आवश्यकता है इस विधायक को। आपको लगता है कि क्या एक टारगेट करके आपके ऊपर आरोप लगाए गए? जानबूझ के, जो दिन ब दिन आरएलपी की लोकप्रियता बढ़ रही राजस्थान के अंदर, देश के अंदर, जिस तरह हम मुद्दों की लड़ाई लड़ रहे हैं प्रदेश के अंदर, जब कांग्रेस बीजेपी ने हाथ मिला, अकेली राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी प्रदेश को बचाने की लड़ाई लड़ रही है, इस जंगल राज की व्यवस्था को खत्म करने की बात करिए, कानून का राज स्थापित करने की बात करिए, जवान किसान मजदूर और राजस्थान को आगे ले जाने की बात दिल्ली में कर रही है, तो इससे निश्चित रूप से जो हमारी लोकप्रियता बढ़ रही है आरएलपी पार्टी की, इससे सबको तकलीफ है, और कोई बड़ी बात नहीं कि आरोप लगाने के अंदर इस आप पार्टी के विधायक के पीछे और भी ताकतें हो सकती, कोई भी हो सकता है कि आप आरोप लगाओ हनुमान बेनीवाल की छवि को और इसकी पार्टी की छवि को, विधायकों की छवि को आप खराब करो, बाकी भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर कोई लड़ाई लड़ रहा, मजबूत लोकायुक्त राजस्थान में कोई बात करा तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी मजबूत लोकपाल मजबूत लोकायुक्त की बात राजस्थान के अंदर कर रही है। हनुमान जी, केवल विनय मिश्रा ही नहीं बल्कि कांग्रेस की विधायक है दिव्या मदेना, उसके टारगेट पे भी हनुमान बेनीवाल है। वो तो जब एमएलए जब बन रही थी, उसके पिताजी लंबे समय से अशोक गहलोत की सरकार में जेल में थे, उसके दादाजी जो कहते थे भाई गहलोत मुझे सीएम नहीं बनने देना चाह रहा है, और फिर 98 के अंदर जब अशोक गहलोत सीएम बने तो उसके दादाजी विधानसभा के अध्यक्ष बन गए थे, विधानसभा अध्यक्ष बड़ा नहीं होता, सीएम बड़ा होता है, और उन्होंने उस बैठ के ये बात मान गए थे कि मैं विधानसभा अध्यक्ष ही बन जाऊँगा, उन्होंने लड़ाई कभी लड़ी नहीं, और महिपाल जी लंबे समय जेल में रहे, तभी मैंने इस परिवार की मदद करी पूरी, मैंने कभी झूठे मामले में फंसाया जा रहा है, महिपाल जी जब जेल में थे तब कई लोग अभी इस चुनाव के अंदर मेरे पास आए कि इनके पिताजी जेल में, माँ बेटी अकेली है, इनकी मदद करो, और मैंने इसकी मदद करी उस चुनाव के अंदर, और चूँकि खाली आरोप लगाना कुछ नहीं होता, अभी मैंने थोड़ा सा यूँ किया था तो सारे प्रधान कांग्रेस के हार गए, अब चुनाव आएगा जब पता लग जाएगा 23 के अंदर आरोपों जो गलत आरोप लगाते हैं उनका जमीन पे धरातल पे क्या, वो मेरे से बात करती है कि किसान विरोधी है, जब देश का किसान तकलीफ में हनुमान बेने वाली है और उनके पिताजी और उनके दादाजी का जिन्होंने इलाज किया उनकी गोद में बैठी है, अशोक गहलोत की गोद में बैठ के, विरोधी की गोद में बैठ के दूसरों पर आरोप लगाए, ये शोभा नहीं देता कुछ, उन अभी पारिवारिक रूप से भी वो लोग काफ़ी डिस्टर्ब है इस समय, तो मुझे लग रहा है कि इसकी मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं, दिव्या मदेना ऐसा लग रहा है मुझे, हाँ हाँ इलाज की आवश्यकता उसको। एक मेरा सवाल ये भी था कि कुछ जो राजनेता है वो हनुमान बेनीवाल जी को और उनकी पार्टी को बीजेपी की बी टीम भी मानते हैं, बी टीम का आरोप लगाते इसलिए भी है क्योंकि आपने उनके समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी को समर्थन दिया है। उनका समर्थित नहीं, वो तो ऐसा है
कि बिना कांग्रेस बीजेपी के समर्थन के तो खड़ा ही नहीं हो सकता कोई, हम सारे ही हो जाएं अलग, मतलब बीजेपी कांग्रेस को छोड़ के हम सारी पार्टियां निर्दलीय हो जाएं तब भी हमारे पास 41 वोट नहीं होते, तो कोई ना कोई समर्थित तो होगा ही किसान के साथ। तो समर्थित दो ही विकल्प थे, या तो बहिष्कार या वो। अगर मैं बीजेपी की बी टीम होता तो मैं राजस्थान में उपचुनाव क्यों लड़ाता, पंचायत चुनाव क्यों लड़ाता, एनडीए क्यों छोड़ता, फिर मैं एनडीए को छोड़ के मिनिस्टर मुझे बनाते वहीं बन जाता मिनिस्टर, और मिनिस्टर की लड़ाई लड़ी हमारे समाज के नेताओं तो मुख्यमंत्री की लड़ाई लड़ी नहीं राजस्थान में, वो तो नंबर 3, 4, 5 की लड़ाई लड़ते थे, लोगों की चप्पलें जूते ही उठाए ज़्यादातर नेताओं ने, और जो बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं उनके परिवारों की स्थिति आप पता करके देख लो कि 52 से लेकर अब तक उन्होंने किस तरह जनता को ठगा, जो ये ओशियां के एमएलए आरोप लगा रही उसकी कॉन्स्टेंसी में पीने का पानी नहीं लोगों के पास, कोई बिजली नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, ये तो मैं लगातार प्रयास करके और खींचर ओशियां और राजस्थान की जब मैंने लड़ाई लड़ी उसका परिणाम ये निकला कि लोग मजबूत हो गए और मजबूत होकर जवाब सवाल जवाब करने लगे गाँव में, इसलिए उनको तकलीफ ये कि हनुमान जी यहाँ पे पॉपुलर क्यों हो रहे हैं, तो हनुमान जी तो पॉपुलर पूरे राजस्थान में हो गए, देश में हो गए, और अगली बार कांग्रेस का तो कुछ बटना ही नहीं राजस्थान के अंदर, मुकाबला भाजपा और राष्ट्र लोकतांत्रिक पार्टी का होगा राजस्थान के अंदर आने वाले समय। फोन टेपिंग के आरोप लग रहे हैं, क्या वास्तव में आपके भी विधायक विधायकों के और हमारे खुद के फोन टेप हो रहे हैं? फोन टेप कौन करा रहा है इसका तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन फोन टेपिंग हो रही है हमारी, ये सही बात। एक अंतिम सवाल, आप जिसे समर्थन दे रहे हैं उनकी जीत की कितनी संभावना लगती है सुभाष चंद्र जी? मेरे को तो जीत की उनकी मतलब संभावना इसलिए भी लगती है कि उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि कुछ छोटी पार्टियों के लोग, कुछ इंडिपेंडेंट और कुछ कांग्रेस के नेता भी, उनको बड़े नेता भी सुभाष चंद्र को सपोर्ट करें। अब कौन है क्या है तो परसों पता लग जाएगा कल शाम को, लेकिन उन्होंने जिस हिसाब से बताया उस हिसाब से उनकी जीत निश्चित है। और मैं हार जीत की बात नहीं करता, मेरा स्टैंड यह था कि मुझे वोट देना है और मैं सुभाष चंद्र जी के साथ, और तीनों वोट मेरे उनके आप मान लो पड़ गए उनके तीनों। तो ये है हनुमान बेनीवाल, राज्यसभा चुनाव को लेकर रणनीति का पहले ही खुलासा कर दिया था, लेकिन जिस प्रकार के आरोप खरीद फरोख्त के इनके ऊपर लग रहे थे उसको भी सिरे से नकारा है। कैमरा पर्सन विजेंद्र के साथ पीयूष शर्मा, ईटीवी भारत, जयपुर।